तो आज अपन पार्ट नंबर 11 करने जा रहे हैं। जिस तरीके से देखो, ए कितना है, ए वन कितना है, ए है, ए टू हमारा ए स्क्वायर है, ए थ्री हमारा ए क्यूब है, और ए फोर हमारा ए फोर है। और अपन को ये चेक करना है कि ए पी है क्या। ए पी है तो नेक्स्ट आइटम निकाल लें। तो चलो ए पी चेक करते हैं। तो सबसे पहले डी चेक करेंगे तो पता चलेगा ए, अगर डी को लगा तो ए पी है। डी का फॉर्मूला ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना है, ए स्क्वेयर माइनस ए। तो बच्चे इसको ऐसा मानो कि ये ए दो बार है, ए इंटू ए। जब दो ए स्क्वायर में से ए चला, अब देखो बच्चे ए स्क्वायर में से ए जाएगा नहीं, माइनस होता ही नहीं। देखो स्क्वायर की वैल्यू है ये, वो वैल्यू है। अगर आप चाहो तो इसको एक स्टेप बढ़ा सकते हो कि ए दोनों में कॉमन आ रहा है तो एक कॉमन ले लो, तो ए माइनस वन हाइएस्ट ये हो सकता है। इसके अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास। एक बार और डी चेक कर लो, ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री कितना है आपका ए क्यूब, ए टू कितना है आपका ए स्क्वायर, ये भी वही रहना है। हाईएस्ट चाहो तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो पीछे बचेगा आपका ए स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो ए माइनस वन। हालांकि अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट की जो ए माइनस वन है, लेकिन यहाँ ए है ए स्क्वायर, तो मतलब डी इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए पी नहीं है, तो नेक्स्ट टर्म भी नहीं निकलेंगे। और पार्ट नंबर 12 देखिए इस प्रकार से है। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा समझना है बच्चे, इसको डायरेक्टली अगर आप माइनस करो तो माइनस होंगे नहीं, इसको अपन चाहें तो रूट टू की फॉर्म में बना सकते हैं। देखो रूट टू को तो रूट टू रख लेना, और रूट एट को मैं क्या कह सकता हूँ, टू रूट टू। कैसे कह सकता हूँ एक बार देखिए, आप क्या करो, आठ के ये ऐसे एलसीएम फैक्टर, एलसीएम मतलब फैक्टर बनाओ, टू से टू फोर जा एट, फिर टू से टू टू जा, ठीक है, फिर टू से वन टाइम, ये दो का स्क्वायर बन गया, तो इन दोनों में से दो आ गया, और जिसका जोड़ा नहीं बना, जिसका पेयर नहीं बना, वो रूट में आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ के फैक्टर बना सकते हो। जैसे आप 18 के बनाते हो, 18 के बनाते हो, तो 18 के करोगे तो दो यानी कि नौ, फिर तीन 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 एक, ये जोड़ा बन गया, पेयर बन गया थ्री। अब इसका पेयर नहीं बना तो ये ब्रैकेट में रह जाएगा थ्री टू टू। इसी तरह 32 का निकाल लेना, 32 का करने जाओगे 16, फिर एट, फिर टू से फोर, फिर टू टू वन, एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, यानी कि टू इंटू टू का तो पेयर बन गया, और इसका बना नहीं, मतलब टू टू जा फोर, तो इसको लिख सकते हैं फोर रूट टू, थ्री रूट टू, टू रूट टू। इसका मतलब इसको तो रूट टू, ये टू रूट टू, ये थ्री रूट टू, और ये फोर रूट टू। इस तरीके से इस ए पी को अपन थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद में अब देखना सोल्यूशन अब क्या ईजी पड़ जाएगा, कि कहाँ से आए मैंने आपको बता दिया है। और इसका भी एक शॉर्टकट तरीका और है, देखो कैसे कि हाँ, तो ये देखिए इसके बाद देखो कि आप ये जो ये बनाए अभी आपने इतना टाइम लगा, अगर ये नाम भी बनाओ ना आप, तो ये डायरेक्ट भी तरीका लगा सकते हो। जो बाहर टू लिखते हो ना, आप उसको टू मत मानो, फोर मानो राउंड फिगर में, कि वो टू नहीं फोर है, और फोर को किससे मल्टीप्लाई करूँगा एट आ जाए, तो फोर टू जा एट। थ्री को थ्री मत मानो, नाइन मानो, नाइन टू जा एटीन। फोर को फोर मत मानो, सिक्सटीन मानो, सिक्सटीन टू जा 32। इस तरीके से भी आप शॉर्ट में इजीली बना सकते हो, आपकी मर्जी है। अपन को ए पी चेक करते हैं, तो अब अपनी वो नहीं है, ये सीरीज बन गई है। इसको देखेंगे, ए वन कितना रूट टू, ए टू कितना टू रूट टू, ए थ्री कितना थ्री रूट थ्री, ये वाला है ना, उसको अपन ने चेंज कर दिया ना, इसलिए ए फोर कितना फोर रूट टू। ए पी चेक करो, ए पी चेक करने के लिए डी चेक करेंगे, डी इक्वल है तो ए पी वन नहीं है। डी का फॉर्मूला ए टू माइनस सेवन, एक बार ये चेक करते हैं, तो ए टू है टू रूट टू माइनस रूट टू, वही वाली बात कि जब दो रूट दो में से एक रूट दो चला गया तो एक रूट दो बचेगा। चलो ठीक है, एक बार और चेक कर लो। फिर डी का फॉर्मूला ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री कितना है थ्री रूट टू, माइनस ए टू कितना है टू रूट टू। तो जब थ्री रूट टू में से टू रूट टू जाएगा तो फिर इसमें भी रूट टू बचेगा, ये लो। इट मीन्स दो बार अगर ए पी सही डी आ रहा है, इसका मतलब ए पी है, ए पी है, तो नेक्स्ट आइटम निकाल लो बच्चे। नेक्स्ट आइटम निकालेंगे ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर तो अपने पास है, इट मीन्स ए फाइव निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला ए प्लस फोर डी होता है। ए हमारे पास रूट टू है प्लस फोर, और डी हमारे पास रूट टू है, रूट टू वन रूट टू, फोर रूट टू, फाइव रूट टू। इसी तरह ए सिक्स, ए सिक्स का फॉर्मूला होता है ए प्लस फाइव डी, ए है रूट टू फाइव और डी है रूट टू, मल्टीप्लाई में दोनों, इसलिए वन रूट टू, फाइव रूट टू, सिक्स रूट टू। ओके, एक टर्म और निकाल लो क्योंकि तीन टर्म निकालने हैं। ए सेवन होता है ए प्लस सिक्स डी, ए आपका रूट टू प्लस सिक्स और डी भी रूट टू, वन रूट टू, सिक्स रूट टू, सेवन रूट टू। इस तरीके से तीन टर्म बन गए, फाइव रूट टू, सिक्स रूट टू, सेवन रूट टू। बड़े आसान आसान सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का 12 पार्ट इस तरीके से, 12 पार्ट देखिए। ए वन, ए वन रूट थ्री है, ए टू रूट सिक्स है, ए थ्री रूट नाइन है, और ए फोर रूट ट्वेल्व है। बच्चे इसको मैं अगर जैसे पिछले क्वेश्चन को अपन ने तोड़ा था टू रूट टू, थ्री रूट टू, फोर रूट टू में, वैसे तोड़ो तो टूटेगा नहीं। रूट थ्री है कोई फैक्टर नहीं है, रूट सिक्स से भी कोई फैक्टर नहीं है, रूट थ्री का नाइन, नाइन का थ्री जरूर होता है,
तो ये एज इट इज रहेगा, डी चेक करो, डी चेक करेंगे तो डी का फॉर्मूला ए टू माइनस ए वन, ए टू है रूट सिक्स माइनस रूट थ्री, ये माइनस ही नहीं होगा, यहीं पर रहेगा, छोड़ दो, चाहो तो रूट थ्री कॉमन ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर डी चेक कर लो, ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री कितना है रूट नाइन माइनस रूट सिक्स, तो यानी कि ये इसमें डी इक्वल नहीं आ रहा, ये सॉल्व नहीं होगा, कैसे मानो आप। तो अगर ये सॉल्व नहीं होता तो ए पी नहीं है, ए पी नहीं तो नेक्स्ट टर्म भी नहीं निकलेंगे। पार्ट नंबर 14 देखिए, 14 पार्ट इस तरीके से, देखो ये स्क्वायर में वैल्यू दे रही है, तो आप एक काम करो स्क्वायर की वैल्यू को पहले खोल लो, 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 और 7 का 49, ओके। अब ये बन गई अपने पास, ये सीक्वेंस आ गई, सीरीज आ गई, अब चेक करते हैं एपीए क्या, ए वन वन है, ए टू कितना 9 है, ए थ्री हमारे पास 25 है और ए फोर हमारे पास 49 है। बच्चे देखना, डी चेक करो, डी का फॉर्मूला होता है ए टू माइनस ए वन, या कौन है 9 है या 1 है, तो क्या बचा 8, एक बार और चेक करते हैं, फिर डी चेक किया तो ए थ्री माइनस ए टू किया, ए थ्री कितना है 25 माइनस 9, देखना आप 5 में से 9 गया, 5 में 9 जाएगा नहीं, 15 बढ़ाओ, 15 में से 9 गया तो क्या बचा 6, ये बचा 1, 16 नहीं है, डी इक्वल नहीं है, अगर डी इक्वल ही नहीं है तो ये एपी नहीं है, एपी नहीं तो नेक्स्ट तीसरे टर्म भी नहीं निकलेंगे, ओके। पार्ट 15 इस तरीके से देखिए बच्चे, इसको भी खोल लो, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73 डॉट 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 डॉट। अब देखो बच्चे, A1 हमारा 1 है, A2 हमारा 25 है, A3 हमारा 49 है और A4 हमारा 73 है। डी चेक करो AP है क्या, D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 आपके पास 25 है, A1 ये है, तो 24D आया। एक बार और D चेक करते हैं, AP है क्या, A3 माइनस A2, A3 आपका 49 और A2 25, तो देख लो 25 और ये 49, इसका भी 24 बच रहा है, इसका मतलब दोनों में D इक्वल आ रहा है, इसका मतलब AP तो है, AP है तो नेक्स्ट थ्री टर्म निकलेंगे, और नेक्स्ट थ्री टर्म देखो बच्चे निकालते हैं अपन, नेक्स्ट A1 A2 A3 A4 अपने पास है, तो वही सेम A5 निकलेगा, A6 निकलेगा और A7 निकलेगा, तीन टर्म निकालते हैं। A5 का फॉर्मूला आप जानते हो, A+4D, ए आपके पास 1 है, A1 है 1+4 इंटू डी, डी 24 है, ओके 24 है, तो 1+ इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में ना 4 4 16, 1 4 2 8 और 9, तो 97 आपका A5 आ गया। A6 का फॉर्मूला होता है A+5D, ए कितना है A1 है, 5 इंटू डी आपका 24 है, तो 1+24 5 120, तो ये आ गया आपका 121, ठीक है। A7 का फॉर्मूला A+6D, ए आपका 1+6 इंटू डी आपका 24, तो 1+6 4 24 2 12 और 1 4 4, तो 145। तो इस तरीके से तीनों टर्म निकल गए, फर्स्ट नेक्स्ट थ्री टर्म निकल गए 97, 121 और 145, बड़े आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से 15 पार्ट टोटल आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अपन नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट करेंगे।